तो आज हम बना रहे हैं किसके लिए पिज्जा? मेरे गुन्नू के लिए। तो रोमियो पिज्जा खाएगा? पिज्जा खाएगा रोमी? चलो रोमियो भी खाएगा पिज्जा। तो हम बनाते हैं पिज्जा। देखो खाना है ना, अभी बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। और ये है हमारी पिज्जा की टॉपिंग। तो ये हमने अभी खोल दिया है कैप और ये लगाया टॉपिंग पिज्जा का, जो रोमियो भी खाएगा पिज्जा। रोमी भी फर्स्ट टाइम पिज्जा खाने वाला है। हाँ रोमी, देखो देखो रोमी की दाढ़ी अभी से गिर रही है। रोमियो फर्स्ट टाइम खाएगा पिज्जा। हमने लगा दी है टॉपिंग पूरी खाएगा। और यहाँ पे रोमियो आ चुके हैं मैदान में। रोमियो बस रोमियो फुल तैयारी में है। तो हमने लगा दिया है पिज्जा पे टॉपिंग और रोमियो भी आ चुका है टॉपिंग खाने। और ये हो रहा है हमारा पिज्जा रेडी। रोमियो की आ चुकी है अच्छी सुगंध कि कुछ बन रहा है आज घर में ताजा ताजा। चलो टॉपिंग लग चुका है बस। रोमियो देख रहा है ये हमारा, ये है स्वीट कॉर्न। और रोमियो फुल तैयारी में है स्वीट कॉर्न खाने की। ये देखिए रोमियो क्या है, स्वीट कॉर्न है ये। और रोमियो यहाँ पे फुल जोश में है। ये लीजिए, खींच लीजिए और चले जाइए आप यहाँ से। ये क्या है? चीजी मेल्ट। ये गुन्नू का फेवरेट है और रोमियो का भी फेवरेट है। यहाँ पे रोमियो की भी कहा गया, पानी पी के आया। वाओ, चीजी मेल्ट की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। अब क्या डालेंगे? अभी चीजी मेल्ट थोड़ा दबा के डालेंगे क्योंकि अपने एक ही पिज्जा बनाने वाले हैं। दो की नहीं, दो नहीं, एक ही पिज्जा बनेगा क्योंकि एक रोमियो की नजर देख सकते हो आप। और अब जा रहा है मायोनीज। थोड़ा सा डालेंगे जो थोड़ा टेस्ट को बरकरार रखेगी। आ गया है रोमियो। ये पिज्जा टॉपिंग डाल दिया अपन ने, अभी थोड़ा सेमी मसाला वो डाल दें मसाला। हाँ। बंद करो इसको 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 भीतर से निकाल यहाँ से निकल। और यहाँ पे ये डालते हैं हम थोड़ा सा, क्या है थोड़ा सा मसाला है ये पिज्जा में, थोड़ा टेस्ट लाता है। फाइनली कॉर्न भी आ गया इसके साथ, ये भी डाल देते हैं। डल चुकी है हमारी चीज और अभी और जाएगी चीज। भर भर के डालो। और यहाँ पे चीज आ चुकी है पूरी। अब डायरेक्ट ओवन में अभी क्रश करना जरूरी है इसको, थोड़ा क्रश करके डालेंगे। वैसे से चीज का जो टेस्ट है इनहेंस हो जाएगा। चीज चाहिए तेरे को थोड़ी? चीज कम पसंद है? मैं बहुत पसंद है चीज को, बस तो इतने में फुल हो जाएगा। फुल ओवन में डाल तो ये देख सकते हैं। चलो पिज्जा हो गया है रेडी, पर इसको प्लेट में डालना पड़ेगा वरना हो चुकी है। अब पिज्जा रेडी हो चुका है आपका, कब खाओगे आप? खा लो अभी जा रहा है ये ओवन में। ये जा रहा है ओवन के अंदर, ओवन में रख दिया है और ये हुआ ओवन। अब इसका टाइम सेट कितने मिनट होना चाहिए? एक ज्यादा हो जाएगा नहीं,
देख लेते हैं। अब आपको दिखना होगा अंदर घूमते हुए और ये हो रहा है हमारा पिज्जा रेडी और वहाँ पे रोमी हमारा पिज्जा रेडी और वहाँ पे रोमियो लालच में कि दादी कुछ दे देगी दे दो दादी कुछ दादी दे दो कुछ रोमियो को दादी अकेले चट कर गई दादी अकेले चट कर गई रोमियो को दे दिया चकमा ये रही दादी ये देखो मेरा पिज्जा बन गया है मेरे भी बनाया और रोमियो खा रहा है खाली ग्लास अब हो चुका है पिज्जा रेडी देख सकते हो आप अब हम पिज्जा हो चुका है रेडी अब हम पिज्जा ले रहे हैं पिज्जा दिखा दो इनको एक बार कैसा हो गया है मस्त एकदम फुल मेल्ट हो चुका है मार्गरेट बन चुका है और ये प्लेट आ रही है हमारे हाथ में प्लेट बहुत गर्म है ये आ गए चलो दो जामुन वाली खिलाई किया चलो अब चलो दोनों चलो काटा जाएगा संजू भैया एक दोनों और ये मत ज्यादा सॉफ्ट हो गया एक बार ऐसे कट चुका है और ये कट चुका है ऐसे और अब कटेगा इसको एक बड़ा काम ये छोटा वाला पीस अतु के लिए और ये कैसे काट देते हैं इसको लास्ट और ये 16 पीस हो गए ये कट गया है और ये हमारा पिज्जा बन चुका है रेडी चलो अब खाते हुए मिलते हैं और आपको बताते हैं कैसा टेस्ट डरोमी अभी खा रहा है गुन्नू जो हमारा वीडियो शूट कर रहा था कैसा है हद से ज्यादा टेस्टी है ले आकर आकर भैया खिला रहे भैया खिला रहे ये खिला